हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार वेदांत के चैनल में आपका रीजनिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट चल रहा है। रैंकिंग टेस्ट को आप सिटिंग अरेंजमेंट का एक छोटा भाई कह सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट की नींव रख रहे हैं हम, ठीक है। इसके अलावा अभी तो सिर्फ पंक्ति में सेट कर रहे हैं, बाकी देखो किताबें भी ऊपर नीचे सेट होंगी कि एक पाँच किताबें हैं, एक नीचे से दूसरे पर है, ऊपर से पांचवे चौथे पर है, इस तरीके से मतलब आपको मिलेंगे नंबर उनके, ठीक है। तो उनको भी मैं सेट करना सिखाऊंगा। पांच मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं तो पंक्ति वाले भी यहीं सेट कर लेंगे, तो छोटे छोटे सवालों को सिटिंग अरेंजमेंट को यहीं सेट कर देंगे। और फिर दिखाऊंगा कि यूपीएसआई में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, पर आप पहले इनको एक बेस बना लो, एक मजबूत कर लो, स्ट्रांग कर लो, और फिर सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप अपने हाथ से निकालो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, किसी पंक्ति में, कल लास्ट क्वेश्चन कराया, उसके जैसा लगता है देखने में पर होता नहीं है, क्यों? एक जगह इसमें अटक जाओगे। स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल ले सकते हैं, और ले लिया होगा। चलिए तो अब देखते हैं, ये बाएं, ये दाएं, ये बाएं या दाएं। चलो बहुत अच्छी बात, पंक्ति में ए बाएं से पंद्रवा, ए बाएं से पंद्रवा, ध्यान देना भाई, जो एक नॉर्मल बच्चा करेगा, नॉर्मल क्या, जो शुरू में करेगा वो सब नॉर्मल है, ठीक है। ए मतलब हम, मैं खुद भी इस सवाल को करूंगा, शुरू में ऐसे ही सोचूंगा ए पंद्रवा तो मैं नॉर्मल हो गया। बी दाएं से बीसवां, बी दाएं से बीसवां, बी दाएं से बीसवां, ऐसे ही सोचते हैं। देखिए ए पंद्रवा, इसका मतलब एक दो तीन चार पांच छह, इधर 14 लोग हैं तब पंद्रवा बैठा, ये बीसवां, इधर 19 लोग हैं तब बीसवां बैठा है, समझना। अब बोल रहा है सी इन दोनों के ठीक बीच में, ठीक बीच ऐसे बोलते हैं। अब देखो, अब दिक्कत कहां आएगी इस सवाल में, कल वाले से अलग क्यों है। कल न्यू दिया था कि सी इन दोनों के ठीक बीच में है और बाएं छोर से 18वां था, 17वां था, कल ऐसा सवाल था। आज क्या है कि सी बाएं छोर से बीच में भी है और 13वां, तो भाई इधर 14 लोग तो इधर ही हैं, 15वां ये, 16, 17, 18 ऐसे कुछ बोलता तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन 13वां कैसे हो जाएगा इधर से यहां, ये टेंशन वाली बात है। तो टेंशन क्या करनी है, कुछ नहीं करनी, कि भाई बी को इधर ले आओ, अगर बी इधर होता तो सी इनके बीच में यहां आता, और यहां आता तो स्थान अपने आप घट जाता, ऐसे ही घट सकता बस सी का स्थान, अर्थात ए बी को दोनों को क्रॉस करा दो। अब देखो क्रॉस कैसे कराऊंगा, बिल्कुल करा दिया क्रॉस, यहां पहुंचा दिया कौन, यहां पहुंचा दिया ए, और यहां पहुंचा दिया कौन, बी। ये ए कौन से नंबर पे, इधर से 15वें पर, और बी कौन से नंबर पे, इधर से 20वें पर। क्रॉस कर दिया करो जब ऐसी कंडीशन बने, कीजिए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब हमें क्रॉस करने पड़ेंगे, और क्रॉस करने पड़ेंगे। अब देखो सी दोनों के ठीक बीच में अब भी है कि नहीं है, वो बताएगा क्या हमें क्रॉस करने, नहीं वो थोड़ी कहेगा, वो अपने आप ही दिख जाएगा आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। कल वाले सवाल में टेंशन नहीं थी ये वाली बात। अब देखो क्रॉस हो गए, अब सी बाएं से 13वें पर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये 15वें पर है, अब इधर है तो 13वां पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 13वें पर, 13वें पर। तो आप मुझे बताओ बीच में कितने लोग हैं इनके, अगर ये 13वें पर है तो एक ही तो बीच में है, क्योंकि देखो ये 15वां, ये 14वां, ये 13वां, पीछे बैक हट रहा हूं ना, 15वां, ये 15वां, ये 14वां, ये 13वां, इधर 12वां, 11वां, ऐसे आएगा। तो अगर ये ठीक बीच में है, यहां इन दोनों के बीच में एक है और ये इन दोनों के ठीक बीच में है, तो यहां भी एक ही होगा, क्योंकि ठीक बीच तो तभी कहेंगे ना, ए और बी के ठीक बीच में जितने इधर हैं बीच में इतने इधर हैं, इधर दो आते बीच में तो यहां भी दो लेते, इधर तीन आते तो इधर भी तीन लेते, जैसे कल लिया था। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? अब इसमें टोटल गिनने, कितने आराम से गिन पाओगे आप देखो तो सही, यहां तक कितने लोग, पंक्ति पूरी कवर कर रहा हूं मैं, यहां तक कितने लोग 20, बस यही तो रहेगी पंक्ति का, ये वाला हिस्सा ही तो रह गया, लेकिन यहां वाले पे जाऊंगा कैसे, तो मुझे इधर से कोई नंबर तो पता हो, इधर से कौन सा नंबर पता, बताओ इधर से, ये पता है, ये 13 है तो ये कहवा, ये कहवा है,
तो इधर के लोग हो गए, बस हो गई पंक्ति पूरी कवर। 20 यहां 10 यहां, उत्तर क्या आ गया सवाल का? ये ऐसे करना है सवाल, क्लियर है? 30 सवाल का उत्तर एकदम क्लियर है? नहीं है तो वीडियो पॉज करो, पीछे से देखो। तुम भी कह रहा हूं जो यहां बैठे हो, कल को आएगी वीडियो, अपने देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो। फिर से बताऊं या ठीक है? बहुत है, पूरे धीरे धीरे करा, बिल्कुल धीरे धीरे, जहां जहां डाउट आ सके अपने आप ही मैंने बोली है बात। अब देखो, अब मैं अगले सवाल को, ये जो सवाल है ना, ये दूसरा जो है इसको बोलते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, इसलिए कह रहा हूं। स्थान अदल बदल, इसको बोलते हैं स्थान अदल बदल वाले सवाल। स्थान अदल बदल वाली टाइप है, स्थान अदल बदल। अब तक स्थान अदल बदल नहीं कर रहा था, अब कर रहा है, तो क्या करेंगे? देखो बहुत आसान, तीन चीज पूछता है, तीनों ही मैंने लिख दिए इसमें, इनसे अलावा इसमें कुछ नहीं पूछ सकता। तीन ही चीज पूछ सके, उसके पास कुछ है ही नहीं पूछने को, यही तीन चीज है। जब भी स्थान अदल बदल का होगा, इन तीनों से अलग कोई सवाल नहीं होगा उसके पास। चलिए करते हैं, बाकी करेंगे कल, कोई बात नहीं। इस सवाल को और समझ लो, अच्छे से बताऊंगा, और ये सवाल बेस है, आप एक एक सवाल बुक का हल कर दोगे इसी सवाल की मदद से। आप देखना, अब मैं सवाल भले ही एक कराता हूं, पर मेरी कोशिश है कि आपका एकदम वो क्लियर हो जाएगा तो बुक का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, क्योंकि सारे सवाल नहीं करा सकते रीजनिंग के बुक के। यहां किसी पंक्ति में ए बाएं से 15वां है, बाया छोर लगा दिया, ये दाया छोर लिख दिया, ए बाएं छोर से 15वां है, ये लिख दीजिए जी 15 बाएं छोर से, बी दाएं छोर से 18वां है, ये लिख दिया 18वां, बी दाएं छोर से, ये ए है। शुरू में तो हम ऐसे ही सोचे कि भाई ये 18 है, ये 15 हो सकता है कि ये क्रॉस की भी संभावना है। हाँ होती है, पर चेक कर ले पहले कि क्रॉस वाला है या वैसा ही है, क्योंकि अब शुरू में दे रहा हूं तो क्रॉस वाला क्यों दूंगा। ये देखो, अगर ये परस्पर अपना स्थान बदल ले, ध्यान देना, अगर ये परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 20वें पर आ जाता है, ए बाएं से 20वें पर, ए बाएं से 20वें पर आ जाता है, तो मतलब ए था ये रहा, और अगर ए चला गया यहां पर तो ए का नंबर अब पता कैवा हो गया, यहां पहुंच गया। तो बताओ ये नंबर 20वां है इधर से या नहीं है? खुद ही बोल रहा है ए जब यहां पहुंच गया तो वो बाएं से 20वें पर पहुंच गया, और ये नंबर तो हमें इधर से भी पता था कि नहीं पता था? बताओ यही नंबर पहले पता था कि नहीं? 18वां, अरे पहले बी चिपका हुआ था यहां तो वो 18वां था, और ये नंबर इधर से भी पता 20, तो हम इन दोनों को जोड़ के एक कम कर सके, टोटल आ जाएगा 37 तो आ गए, कुल तो आ गए, या यूं कहो 18वां 17 इधर, 20वां 19 इधर, 19 17 36 और एक ये 37, ऐसे भी सोच सको तो 37 टोटल काउंट करने में कोई दिक्कत है? जब एक स्थान दोनों ओर से पता लग जाए तो बात ही खत्म हो गई। क्या और भी तरीका था टोटल काउंट करने का? था, अगर आपको ये नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे कि यहां तक 15 लोग हैं, यहां तक 18 लोग हैं, अगर बीच के पता लग जाए तो बात ही खत्म हो जा, बात ही बन जा। तो कैसे पता लगेगी बीच का? ध्यान देना, ये 15वें पर था, ये 20वें पर पहुंच गया, इसका मतलब कितने लोगों को बीच में छोड़ के गया? 15 16 17 18 19, तब गया 20वें पर, तो 4 लोग। और मैं आपको बता दूं, हर जगह डंडे नहीं चलेंगे, डंडे वाला रूल, तो आपको क्या करना, 15 से 20 गया, 5 स्थान बढ़ा, अगर 5 बढ़ता है तो एक कम बीच में होता, अगर वो स्थान बढ़ता 15 से 25 पर पहुंचता तो 9 बीच में होते। बात समझ में आई? तो अब देखो ऐसे भी टोटल काउंट कर सको, 15 18 और बीच के क्या 4, अब भी वही आएगा 37 ही, चेक कर लो, ऐसे भी टोटल निकाल सकते हो, अपना अपना तरीका, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब ये देखो,
टोटल भी निकल गया, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये सवाल का भी आंसर आ गया, बस ये बात बच गई। अब न्यू कह रहा कि जी बी जो है वो दाएं से कितने स्थान पर, क्योंकि बी भी तो यहां चला गया ए वहां, तो परस्पर स्थान का मतलब इसने ये इसने ये ऐसे बदले, तो बी अगर यहां 18वें पर था तो ये भी तो उतने ही लोगों को बीच में छोड़ के गया जितने ए छोड़ के गया था, तो जितना ये बढ़ेगा कितना बढ़ाए 5 बढ़े, कितना 5, तो 5 स्थान ये भी बढ़ जाएगा, अर्थात ये कैवे पर हो जाएगा 23वां। जितना ए बढ़े उतना ही बी बढ़ेगा, ये बात याद रखना, जितना ए बढ़ेगा उतना ही बी बढ़ेगा। और बीच में कैसे निकालते, बीच में 15 से 25 पर गया है तो 9 बीच में, 15 से 20 पे गया तो 5 बढ़ा 4 बीच में, तो बीच के तो कोई टेंशन ही नहीं है। और बढ़े वाले ये सवाल तो दोनों इतने आसान है कुछ है ही नहीं, ये टोटल निकालने की बात है, टोटल तो निकल ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जितना ए बढ़ा 15 से 20 उतना ही बढ़ेगा बी 18 से 23, 5 बढ़ा 5 इसमें बढ़ा दो, 6 बढ़ता 6 इसमें बढ़ा देता, बात समझ में आ गई। इससे आगे के सवाल और बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल स्थान बदलने के कल करेंगे, आज इतना ही छोड़ दें।